वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओज में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो सिंपली हम डेफिनेशन एंड रिकग्निशन पॉइंट पर बात करेंगे, फिर मेजरमेंट की गाइडेंस क्या है उस पर डिस्कस करेंगे, और डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट के ऊपर कुछ रूल्स बताए हैं उनके ऊपर बात करेंगे। तो डेफिनेशन है, यहाँ पे डिफाइन किया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ में, कुछ जगह पे वर्ड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखा गया है और कुछ जगह पे वर्ड यूज किया गया है टेंजिबल कैपिटल एसेट्स। तो टेंजिबल कैपिटल एसेट्स को डिफाइन किया गया है कि आइडेंटिफाइबल टेंजिबल एसेट्स हैं दैट मीट ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। नंबर वन, के आर हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और फॉर मेंटेनेंस रिपेयर डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन ऑफ अदर टेंजिबल कैपिटल एसेट्स। तो ये यहाँ पर जो है IAS 16 से डेफिनेशन हम नोटिस कर रहे हैं कि थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट इस पॉइंट का वैसा ही है कि आपने उसको बिजनेस के जो मेन ऑपरेशंस हैं उसके अंदर यूज करना हो, क्योंकि एनपीओ के अंदर जो है वो मकसद जो है इनकम अर्न करना नहीं होता। तो इस वजह से यहाँ पर जो अकॉर्डिंगली वर्डिंग है वो डिफरेंट है। Have been acquired, constructed or developed with the intention of being used on a continuing basis. अब ये पॉइंट जो है बेसिकली ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि उसको आपने लॉन्ग टर्म बेसिस पर यूज करना हो, सिर्फ टेम्परेरी हासिल ना किया हो। आर नॉट इंटेंडेड फॉर सेल इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ ऑपरेशन, यानी वो इन्वेंट्री के तौर पर क्लासीफाई ना होते हो। आर नॉट हेल्ड एज पार्ट ऑफ अ कलेक्शन, क्योंकि कलेक्शन के ऊपर हमने लास्ट वीडियो की थी, तो कलेक्शन में हमने डिस्कस किया था कि कलेक्शन को प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट या इंटेंजिबल एसेट के तौर पे क्लासिफाई नहीं किया जाता। तो कलेक्शन वाले जो आइटम्स हैं वो टेंजिबल कैपिटल एसेट में शामिल नहीं होंगे, उनकी एक अलग कैटेगरी होगी। तो ये चार क्राइटेरिया हैं, चारों के चारों मीट होने चाहिए तो तब एक आइटम टेंजिबल कैपिटल एसेट या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट समझा जाएगा। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को रिकग्नाइज यानी कि हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कब करेंगे, तो उसकी ट्रीटमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि प्रोबेबल हो के फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्लो करेंगे एनपीओ को और उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर की जा सकती है। ये रिकग्निशन क्राइटेरिया वैसा ही है जैसा IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में मेंशन है। मेजरमेंट के ऊपर सर्टन गाइडेंस है। सबसे पहले तो एक कंट्रीब्यूटेड एसेट को कैसे रिकग्नाइज करेंगे। कंट्रीब्यूटेड एसेट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसा है जैसे आपको कोई नॉन मॉनिटरी एसेट गवर्नमेंट ग्रांट में मिल जाता है अंडर IAS 20। तो कंट्रीब्यूटेड एसेट से बेसिकली मुराद ये है कि कोई पर्सन आपको कैश में डोनेशन वगैरह देने के बजाय एक एसेट कंट्रीब्यूशन के तौर पे डोनेशन के तौर पर दे देता है, तो उसको आपने रिकॉर्ड करना है फेयर वैल्यू पर, जो कि उसकी मार्केट वैल्यू या अप्रेजल वैल्यू होगी, या फिर अगर फेयर वैल्यू डिटरमिन नहीं हो सकती तो आपने नॉमिनल वैल्यू पर रिकॉर्ड करना है। ये ट्रीटमेंट अगर नोटिस करें तो बिल्कुल IAS 20 जैसी है। एडिशनल पॉइंट्स ये हैं कि अगर कोई एसेट आप एक्वायर करते हैं बिलो फेयर वैल्यू, क्योंकि किसी ने आपको आप एनपीओ थे तो आपको उन्होंने बिलो फेयर वैल्यू दे दिया, फॉर एग्जांपल मार्केट में वैसे एक एसेट जो है वो 10 मिलियन का मिलता है, आपको एनपीओ होने की वजह से उन्होंने 6 मिलियन का दे दिया, तो आप उसे रिकॉर्ड फेयर वैल्यू पे करेंगे यानी पूरे 10 मिलियन पे। अब आपने कैश तो पे किया 6 मिलियन का, तो रिमेनिंग 4 मिलियन फिर कैसे रिकॉर्ड होंगे, क्योंकि 10 से आपने एसेट डेबिट कर दिया, क्रेडिट कर दिया कैश 6 से, 4 जो है वो आपकी कंट्रीब्यूशन इनकम के तौर पर रिकॉर्ड होगा। अगर आपको ग्रांट के थ्रू ग्रांट मिली थी और उसकी बेसिस पर आपने कोई एसेट प्रोक्योर किया है, हासिल किया है, तो सेम रूल आप अप्लाई करेंगे जैसे आप IAS 20 में अप्लाई करते हैं। अगर आपको ग्रांट की बेस पर कोई एसेट मिला है लेकिन ग्रांट पीरियड स्पेसिफिक पीरियड था और जब ग्रांट पीरियड एंड होगा तो आपको वो एसेट वापस करना है, तो फिर आप उसको वैल्यू करेंगे एट फेयर वैल्यू लेस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड रेजिडुअल अमाउंट एट द टाइम ऑफ ग्रांट और कंट्रीब्यूशन। यानी आप कहते हैं कि आज जब हमें एसेट मिला है तो उसकी फेयर वैल्यू जो है लेट से हम कहते हैं कि जी 15 मिलियन है, और जब ग्रांट पीरियड एंड होगा और हमने उसे वापस करना होगा तो उस वक्त की एस्टिमेटेड जो उसकी वैल्यू है, रेजिडुअल अमाउंट है उसकी, जब अगर हम जब प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो वो आ रही है लेट से 5 मिलियन, तो 15 मिलियन माइनस 5 मिलियन हम उसको रिकॉर्ड करेंगे 10 मिलियन पे।
इसी तरह बाद अवकात हम जो एनपीओ हैं वो कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट कर रही होती हैं एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की ओवर टाइम, यानी जैसे खुद बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रही हैं, तो जो उसमें कंट्रीब्यूशन बाद अवकात लोगों से डोनेशन की फॉर्म में मिल रही होती है वो होती है मटेरियल और लेबर की, यानी हमें वॉलंटियर्स की सर्विसेज मिल रही हैं, हमें सीमेंट या स्टील वगैरह लोग जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फिर जो नॉर्मल रूल है कंट्रीब्यूटेड मटेरियल्स के लिए कि इसको भी फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे। फिर लैंड के बारे में कॉन्सेप्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ दिया हुआ है कि लैंड जो है वो अनलिमिटेड लाइफ होती है नॉर्मली और उसको हम डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। फर्दर जो रूल्स हैं डेप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट पे, उसमें ये है कि डेप्रिसिएशन को हमें किस तरीके से चार्ज करना चाहिए। तो डेप्रिसिएशन एक तो नॉर्मल रिकॉर्ड होगी, लेकिन जब फंड अकाउंटिंग हो रही होती है तो उसको फंड्स में इस तरीके से हमने एलोकेट करना है कि एक मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन मिले। बाज़ुकात हम जो उसे एक्सपेंस नॉर्मली बनाते हैं वो ऑपरेटिंग फंड का हिस्सा बना देते हैं, यानी जो हमारा अनरिस्ट्रिक्टेड फंड होता है, जनरल फंड होता है। तो ये इस बात को रिफ्लेक्ट करती है डेप्रिसिएशन के, जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कम्युनिटी को, डेप्रिसिएशन वैसी ही कॉस्ट है। डेप्रिसिएशन इज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ सर्विस डिलीवरी, कि एक एनपीओ जो अपने मेंबर्स को या अपनी कम्युनिटी को सर्विसेज दे रही है, डेप्रिसिएशन उसी तरह की कॉस्ट है जो उन सर्विसेज को प्रोवाइड करने में कॉस्ट लगती है। बाज़ुकात इसे आप एक्सपेंस बनाते हैं किसी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से रिलेटेड फंड का, जहाँ पे बाज़ुकात आपको एक फंड रिस्ट्रिक्टेड फंड मिला हुआ है जिसका मकसद ये है कि आपने कोई हॉस्पिटल बनाना है, आपने कोई कैपिटल एसेट बनाना है, तो जब उससे रिलेटेड आपको कोई चीज़ होती है और आप जो अपने एसेट यूज कर रहे हैं उसको बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं और आप उस फंड को चार्ज करते हैं, तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि वो जो टेंजिबल कैपिटल एसेट्स हैं उसके साथ आप इसको एसोसिएट कर रहे हैं और एंटिटी के नॉर्मल ऑपरेशन के साथ एसोसिएट नहीं कर रहे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है जिसको आपने फिर ध्यान में रखना है डेप्रिसिएशन में। यानी इसके पे कहें तो स्टैंडर्ड जो है वो फिक्स नहीं कर रहा कि आपको कैसे करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए जो मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन दे। उसमें आप उसको जनरल फंड के अंदर भी एक्सपेंस बना सकते हैं और उसको आप किसी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से रिलेटेड अगर कोई फंड है तो उसका हिस्सा भी बना सकते हैं। फिर इम्पेयरमेंट चार्ज करनी है आपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे, जब आप समझते हो कि कोई जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है वो फर्दर एनपीओ की जो एबिलिटी टू प्रोवाइड सर्विसेज है उसके अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, यानी अब जो एसेट वो है उससे मजीद कोई खास फायदा नहीं होगा। और जब ऐसे इम्पेयरमेंट चार्ज करके आप एक एसेट को जीरो पे ले जाते हैं तो उससे जो रिलेटेड अनअमोर्टाइज डेफर्ड कंट्रीब्यूशन का कोई बैलेंस अगर मौजूद हो अकाउंट्स में तो उसको भी सारे का सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। शर्त यह है कि उससे रिलेटेड जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो कंप्लाई हो चुकी हों, जो कंडीशंस हैं आप पूरी कर चुके हों। तो फिर जब आप एसेट को जीरो पे ला रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो सारे का सारा आपका ग्रांट डेफर्ड ग्रांट का बैलेंस होगा उसको भी आप रेवेन्यू बना देंगे, क्योंकि लॉजिक नहीं है कि जब एक एसेट मौजूद नहीं है। हम कॉन्सेप्ट यही देखते हैं ना कि जो डेफर्ड कंट्रीब्यूशन है, डेफर्ड ग्रांट है, वो उसको ऐसे इनकम बनाया जाता है जैसे जैसे एसेट की डेप्रिसिएशन हो रही होती है। तो जब एसेट को जीरो कर देंगे तो उस डेफर्ड ग्रांट डेफर्ड कंट्रीब्यूशन को भी जीरो कर देंगे, सारी अमाउंट को सेम पीरियड के अंदर रेवेन्यू का हिस्सा बना देंगे। तो ये हमारे रूल्स थे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से रिलेटेड। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ को डिस्कस कर रहे हैं और उसमें इंटेंजिबल एसेट का टॉपिक डिस्कस करेंगे। सिंपली 3 पॉइंट्स पर हमारी बात होगी, डेफिनेशन, रिकग्निशन, उसके बाद इंटरनली जनरेटेड जो एसेट्स हैं उसमें कब हमने एक्सपेंस बनाना है, कब हमने उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं, और अगर कोई एक एनपीओ अपनी वेबसाइट डेवलप करती है और उस पर जो कॉस्ट लगाती है उनकी हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। तो स्टेप वाइज इन 3 पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन एंड रेकग्निशन। तो इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ में गिवन है वो वैसी ही है जैसे IAS 38 के अंदर गिवन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा IAS 16 वाला टच भी दिया हुआ है कि इंटेंजिबल एसेट इज डिफाइंड एज आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, फॉर रेंटल टू अदर्स और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेज। तो बेसिकली आइडेंटिफाइबल एसेट वो होता है जो या तो लीगल राइट से राइज हो रहा हो या उसको आप सेपरेटली रेंट पर दे सकें या सेल कर सकें। नॉन मॉनिटरी एसेट जो हैं वो समझ लें कि कैश और रिसीवेबल के अलावा
सिंपल एक तरह सा कॉन्सेप्ट रख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारे एसेट्स ही नॉन मॉनिटरी होते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और रिसीवेबल के अलावा। और इंटेंजिबल एसेट ऑब्वियसली विदाउट फिजिकल सब्सटेंस होता है और आगे उसका यूजेज है। रेकग्निशन जो इसकी होगी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जैसी ही है कि आप सिर्फ तब रेकग्नाइज करेंगे जब ये प्रोबेबल हो कि एक्सपेक्टेड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एनपीओ की तरफ फ्लो करेंगे और कॉस्ट या एसेट की जो वैल्यू है वो रिलायबली मैयर हो सकती है। तो तमाम रिक्वायरमेंट जो आईएस इसमें इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड हैं वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जैसी ही हैं जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ में मेंशन है। सिर्फ तीन चीजों के ऊपर स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं, रिसर्च, डेवलपमेंट और वेबसाइट कॉस्ट। और इन तीन पॉइंट्स की तरफ अब हम स्टेप वाइज चलते हैं। तो इंटरनली जनरेटेड एसेट्स में आप किस सिचुएशन में एक्सपेंस बनाएंगे? आप इंटरनली जनरेटेड रिसर्च कॉस्ट, गुडविल, ब्रांड, ट्रेनिंग कॉस्ट को हमेशा एक्सपेंस बनाएंगे। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ की रिक्वायरमेंट है अगर वो इंटरनली जनरेटेड हो। और इसी तरीके से एक्सपेंडिचर जो लगता है आपका इंटेंजिबल आइटम पर, जो इनिशियली आप रिकॉग्नाइज करेंगे एज एन एक्सपेंस, वो बाद में भी कैपिटलाइज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने जनवरी में एक रिसर्च की और उसको एक्सपेंस बना दिया, फरवरी में जाकर आपका कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया बाद में जाकर मीट हो गया, तो फरवरी में आप जनवरी वाली अमाउंट जो आप पहले एक्सपेंस बना चुके हैं अब उसको एसेट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। जो अमाउंट एक बार एक्सपेंस बन गई सो बन गई, उसको सब्सिक्वेंटली कैपिटलाइज नहीं करना। कैपिटलाइज करने का जो क्राइटेरिया है कि किस सिचुएशन में इंटरनली जनरेटेड एसेट कैपिटलाइज होंगे, तो वो डेवलपमेंट कॉस्ट होती है जो कि नेक्स्ट स्टेप होता है आफ्टर रिसर्च। रिसर्च बेसिकली ये होता है कि आपको इन पास नॉलेज आ गई एक चीज की कि वो कैसे हो सकती है। डेवलपमेंट होती है कि आप उसके ऊपर फर्दर पायलट प्लांट बनाते हैं, प्रोटोटाइप्स बनाते हैं, ये चेक करते हैं कि वो चीज वाकई प्रैक्टिकली कैसे हो सकती है और वो कमर्शियली फिजिबल है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, लेबॉरेटरी में एक टेस्ट से ये पता चला कि ये मेडिसिन जो है ये कोविड का बेहतर इलाज कर सकती है, लेकिन वो मेडिसिन क्या प्रैक्टिकली बनाई जा सकती है, उसके लिए रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसकी जो उसको बनाकर जो टेस्ट किया जाएगा लोगों पे और उसके रिजल्ट्स आएंगे, ये प्रोसेस डेवलपमेंट का प्रोसेस होगा। तो डेवलपमेंट के प्रोसेस में जो कॉस्ट लगती हैं वो कैपिटलाइज हो सकती हैं, लेकिन उसकी शर्त है कि सिक्स कंडीशंस पूरी हों, और ऑल ऑफ द सिक्स कंडीशंस पूरी होनी जरूरी है। नंबर वन, टेक्निकल फिजिबिलिटी हो कि एसेट कंप्लीट हो जाएगा, एनपीओ की इंटेंशन हो कि वो एसेट को कंप्लीट करेंगे, उनकी एबिलिटी हो कि वो उस एसेट को यूज कर सकेंगे या बाद में सेल कर सकेंगे, वो ये डिमॉन्स्ट्रेट कर सकें कि वो कैसे उस एसेट से फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करेंगे, उनके पास अवेलेबिलिटी होनी चाहिए एडिकेट रिसोर्सेज की उसे कंप्लीट करने के लिए, और वो उस उनकी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो उसकी कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट को रिलायबली मैयर कर सकें। अगर आप इन सिक्स कंडीशंस में देखें तो एक कंडीशन तो हो गई इकोनॉमिक बेनिफिट्स की, एक कंडीशन होगी रिलायबल मैयरमेंट की। ये तो वो कंडीशंस हैं जो रेकग्निशन क्राइटेरिया के अंदर मेंशन है। जो बाकी चार कंडीशंस हैं वो सिर्फ ये रिक्वायर कर रही हैं कि वाकई एक एंटिटी फ्यूचर में इसको एक तो कंप्लीट कर सके और वाकई उससे फायदा उठा सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर टेक्निकल फिजिबिलिटी नहीं है तो कैसे फायदा उठाएंगे, कंप्लीट करने की इंटेंशन नहीं है तो कंप्लीट किए बगैर फायदा कैसे उठाएंगे, अगर यूज नहीं कर सकेंगे तो फायदा कैसे उठाएंगे, और अगर एडिकेट रिसोर्सेज नहीं है कंप्लीट करने के लिए तो जब कंप्लीट नहीं कर सकेंगे तो वंस अगेन फायदा नहीं होगा। तो दो मेन क्राइटेरिया तो रिकग्निशन वाले ही हैं, बाकी जो चार हैं वो सिर्फ ये मेक श्योर कर रहे हैं कि एंटिटी वाकई काम को कंप्लीट कर लेगी और उससे बेनिफिट ले सकेगी। वेबसाइट कॉस्ट को जो है फाइव स्टेजेस के अंदर बेसिकली देखा जाता है, जिसमें एक होती है प्लानिंग स्टेज जिसमें फिजिबिलिटी वगैरह बननी है, नाम वगैरह सोचा जाता है, डोमेन नेम वगैरह लिया जाता है, उसके बाद एप्लीकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है कि उसमें चीज़ें कैसे होंगी, फिर उसका जो एक फ्रंट एंड होता है ग्राफिकल डिज़ाइन के, लोगों को उसके ग्राफिक्स कैसे शो होंगे, कौन सी पिक्चर्स शो होंगी, उसकी डेवलपमेंट होती है, फिर उसमें कंटेंट की डेवलपमेंट होती है, और फिर वो रूटीन जब वेबसाइट लॉन्च हो जाती है तो उसके ऑपरेशंस के दौरान भी कॉस्ट होती हैं, जिसमें एरर्स जो नज़र आ रहे होते हैं उनको ठीक कर रहे होते हैं, कंटेंट को अपग्रेड कर रहे होते हैं, ग्राफिक्स को अपग्रेड कर रहे होते हैं। नॉर्मली ये सारी कॉस्ट जो है वो हम एक्सपेंस के तौर पर चार्ज करते हैं, लेकिन स्टेज टू से फोर तक वाली जो कॉस्ट हैं उनको हम कैपिटलाइज कर सकते हैं अगर वो कैपिटलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट एसेट वाला क्राइटेरिया, जो भी हमने प्रीवियसली डेवलपमेंट कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन के लिए सिक्स क्राइटेरिया पढ़े उनको पूरा करते हैं। पर्टिकुलरली जो रिक्वायरमेंट है वो क्राइटेरिया
डी की है। और क्राइटेरिया डी क्या था? क्राइटेरिया डी ये था कि एक एंटिटी ये डिमॉन्स्ट्रेट कर सके कि इस एसेट से वो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स जनरेट कर सकेंगे। तो ये इंटेंजिबल एसेट के ऊपर हमारी गाइडेंस है फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओज। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओज में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और फिर दो फॉर्मेट आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक सिंपल फॉर्मेट है और एक मल्टी कॉलमनर फॉर्मेट है। दोनों में से कोई भी फॉर्मेट जो है वो एक एनपीओ जो है वो यूज कर सकती है अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को प्रेजेंट करने के लिए। तो स्टेप वाइज इन तीनों पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। तो सिंपली रिक्वायरमेंट ये है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर ये चार आइटम कम से कम शो होने चाहिए। नंबर वन, वो नेट एसेट्स जो सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस हों, मेंटेन्ड परमानेंटली एज इंडोमेंट्स। नंबर टू, जो डेजिग्नेटेड नेट एसेट्स हों, यानी जिसको आप कह सकते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड हों, कि वो एंटिटी ने मेंटेन करने हैं किसी खास पर्पस के लिए, वो जनरल पर्पस के लिए यूज नहीं हो सकते। फिर अनरिस्ट्रिक्टेड नेट एसेट्स रिफ्लेक्ट होने चाहिए और टोटल नेट एसेट्स भी शो होने चाहिए। तो ये चार बातें जो हैं, चार चीजें जो हैं, वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में प्रेजेंट करना लाजमी है, इसका हम ख्याल रखेंगे। करंट और नॉन करंट की डिस्टिंक्शन जैसे हम नॉर्मली अकाउंटिंग में करते हैं, वो यहां पर भी करेंगे। इसमें खासतौर पर इस बात का ख्याल रखेंगे कि ऐसा कैश जिस पर रिस्ट्रिक्शन मोर देन 1 ईयर की है, यानी आपके पास कैश मौजूद है बैंक में लेकिन आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि उसे आप 1 ईयर के अंदर यूज नहीं कर सकते, वो फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए है या फ्यूचर के किसी काम के लिए है, तो उसको फिर नॉन करंट एसेट के तौर पर शो किया जाएगा, उसे करंट एसेट के तौर पर क्लासिफाई नहीं करेंगे। तो ये सिंपल सी रिक्वायरमेंट है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन की। अब फॉर्मेट की तरफ चलते हैं और फॉर्मेट को देखते हैं, ताकि जब हमें कभी इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़े तो एक जनरल आइडिया हो कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसी होंगी। तो हम डिस्कस करेंगे कि इसमें इन फॉर्मेट्स में और जो टिपिकल फॉर्मेट होता है नॉर्मल एंटिटीज का अदर देन एनपीओस, वो क्या फर्क होता है। तो सिंपल फॉर्मेट पर बात करें तो हमारे पास जो है नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स होंगे। ऑब्वियसली इक्विटी की जगह टर्मिनोलॉजी चेंज है, तो फंड बैलेंसेस शो होंगे, नेट एसेट्स कह सकते हैं उन्हें आप, और फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज होंगी। अब जो टिपिकली फर्क है, देखें इसमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को कैपिटल एसेट भी कह सकते हैं, इंटेंजिबल एसेट। कलेक्शन सेपरेट शो होंगी, इन्वेस्टमेंट सेपरेट शो होंगी, तो टिपिकली ये आइटम आएंगे। फिर जाहिर बात है कि एनपीओज में नॉर्मली जो इन्वेंट्रीज होना, क्योंकि वो ट्रेडिंग तो नहीं कर रहे होते, हाँ सप्लाईज वगैरह होती हैं जैसे मेडिसन हैं, दूसरी चीजें हैं, तो वो स्टॉक मौजूद हो सकता है, तो उसको करंट एसेट्स में शो कर देंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं, ग्रांट या कंट्रीब्यूशन रिसीवेबल भी हो सकती है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी। तो टिपिकल नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स हैं, सिर्फ आप कलेक्शन का आइटम थोड़ा सा कह लें कि एनपीओ स्पेसिफिक है। फिर जो फंड बैलेंसेज हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल है। एक अगर हम कंपनी से जो ट्रेडिंग बिजनेस में इन्वॉल्व होती है उससे रिलेट करें, तो वहां पर हमें नजर आता है कि उनका शेयर कैपिटल होगा, उनकी रिटेन अर्निंग्स होंगी, उनका रिवेल्यूशन सरप्लस होगा, इस तरीके की चीजें होंगी। जबकि एनपीओज में जो हमें रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं कि हमने इंडोमेंट के नेट एसेट्स अलग बताने हैं, जो एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड हैं वो अलग बताने हैं, जो इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड हैं वो अलग बताने हैं। फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज का कॉन्सेप्ट सेम है, बट यहाँ पर ऑब्वियसली जो डेफर्ड ग्रांट्स किसी किसी एंटिटी में होती हैं, एनपीओज के अंदर कॉमन है कि डेफर्ड कंट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट आ रहा होता है, तो ये चीजें एनपीओ में ज्यादा कॉमन है, दूसरी एंटिटीज में लेस कॉमन है, लेकिन दोनों में ही हो सकती हैं। तो मेन डिफरेंस जो हमें नजर आ रहा है वो सिर्फ एक एरिया में नजर आ रहा है। तो अगर आप सिंपल फॉर्मेट को फॉलो करते हैं तो उसमें मेन फोकस आपका फंड बैलेंसेस पर होगा, बाकी जो आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन है वो रूटीन की तरह बनेगी। अब दूसरा फॉर्मेट देखते हैं जिसे मल्टी कॉलमनर फॉर्मेट कहा जाता है। तो बस सिंपली मल्टी कॉलमनर फॉर्मेट में हम क्या करते हैं कि हम जो फिगर्स हैं उनको डिफरेंट कॉलम्स के अंदर बाइफरकेट सेग्रीगेट करके शो कर देते हैं। जैसे यहां पर हमने जनरल ऑपरेशंस यानी जो अनरिस्ट्रिक्टेड फंड से रिलेटेड चीजें हैं उनको अलग शो कर दिया, जो स्पेशल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिन पे यानी रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको अलग शो कर दिया, और इंडोमेंट
फंड को सेपरेट शो किया, और सिंपली फिर एक टोटल का कॉलम है। वंस अगेन अगर यहां पर देखें तो जो हमारा सिंपल फॉर्मेट था और ये मल्टी कॉलमनर फॉर्मेट है, इन दोनों फॉर्मेट में जो है कोई फर्क नहीं है, अदर देन दैट कि जो फंड बैलेंसेज हैं ये पोर्शन अब आपको नजर आ रहा है कि ये स्लाइटली डिफरेंट है। उसकी वजह ये है कि जब हमने इधर अलग अलग कॉलम कर दिए तो हमें उस तरीके से नेट एसेट्स के नाम वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो नाम है कि वो इंडोमेंट है या क्या चीज है वो तो ऑलरेडी हमने हेडिंग्स के अंदर यूज कर दिया। तो फिर आगे सिर्फ आपने बताना होता है कि इसमें से एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड कौन सा है और इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड कौन सा है। इंडोमेंट जो है वो भी एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड होती है, इसलिए जो यहां पर भी ये जो सेम है, यानी ये जनरल ऑपरेशन, स्पेशल प्रोजेक्ट्स, इंडोमेंट, टोटल, तो इंडोमेंट भी आप देख रहे हैं कि वो भी एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड होती है, इसलिए उसका जो साथ भी जो रो है वो एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड की और वो इंडोमेंट के कॉलम के अंदर शो हो जाएगा। तो ये दो फॉर्मेट्स को आप जहन में रखेंगे, एग्जाम में बाज़ूकात हो सकता है कि एग्जामिनर ये रिक्वायर कर लें कि आपने इसमें से कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉलो करना है, तो इसलिए दोनों फॉर्मेट का आइडिया होना चाहिए। वैसे अगर एग्जामिनर रिक्वायर ना करे तो आपको चाहिए कि सिंपल फॉर्मेट यूज करें, क्योंकि उसके अंदर आपका टाइम कम लगेगा और बाइफर्केशन का जो एक्स्ट्रा टास्क है उससे आपकी बचत हो जाएगी। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओज में स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले गाइडेंस है हमारे पास क्लासिफिकेशन एंड एट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस पर। फिर दो जो हमारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं फंड अकाउंटिंग के, डेफरल मेथड और रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड, इन दोनों की रिक्वायरमेंट्स और फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे। फिर स्टैंडर्ड के अंदर ही कुछ रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को ग्रॉस बेसिस पर शो करना चाहिए या नेट बेसिस पर किन सिचुएशन में, उस पर कुछ गाइडेंस भी अवेलेबल है और एग्जाम्पल्स भी अवेलेबल हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो इन फोर पॉइंट्स की तरफ वन बाय वन चलते हैं। क्लासिफिकेशन एंड एट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो एनपीओ जो है वो क्लासिफाई कर सकती है अपने एक्सपेंसेस को इन द स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर तीन तरीके से, बाय ऑब्जेक्ट, यानी जिस मकसद के लिए जो एक्सपेंस लग रहा है इसको IS-1 में हम बाय नेचर कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल सैलरीज को अलग, रेंट को अलग, यूटिलिटीज को अलग, जब इस तरीके से एक्सपेंसेस को जो है क्लासिफाई किया जाता है तो इसको हम जनरली IS-1 में कहते हैं, बाय नेचर यहां पर है बाय ऑब्जेक्ट। दूसरा जो IS-1 में भी उसे कहते हैं बाय फंक्शन, और यहां पर भी उसके लिए टर्म बाय फंक्शन यूज हुई है कि जिस तरह हम कॉस्ट ऑफ सेल्स, एडमिन एक्सपेंस वगैरह बना देते हैं, हम एनपीओ के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल्स तो नहीं होती, तो यहाँ पे भी आप कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस अलग, रिसर्च अलग, जो जनरल ऑपरेशंस हैं वो सेपरेट, और बाय प्रोग्राम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक एनजीओ जो है वो एक कह लें कि एजुकेशनल हॉस्पिटल भी चला रही है और हेल्थ केयर की फैसिलिटी भी है और लेबॉरेटरी भी चला रही है, तो वो हर प्रोग्राम को सेपरेट कैटेगरी के अंदर उसके इनकम और एक्सपेंसिस ले ले, तो इस वे में भी वो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन इस मैनर में करनी चाहिए जो कि मोस्ट मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन क्रिएट करे। अब जब बाय फंक्शन हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसके अंदर हमें जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको डिफरेंट फंक्शंस के दरमियान एलोकेट करना पड़ता है, उस एलोकेशन को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ के अंदर एट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंस का नाम दिया गया है, यानी ये क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन से ही कनेक्ट करेगा। तो एक एनपीओ को जो अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी वो बेसिकली दो अप्रोचेज हैं। एक अप्रोच तो ये है कि एक्सपेंस ऐसे एट्रीब्यूट किया जाए जो उस फंक्शन के आउटपुट के साथ डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन को रिफ्लेक्ट करे। एन एक्सपेंस दैट कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू द आउटपुट ऑफ वन फंक्शन इज अप्लाइड डायरेक्टली टू दैट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ स्टाफ मेंबर एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू दैट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि जो हमारा एक स्टाफ मेंबर हैं वो रिसर्च के अंदर ही काम करते हैं, तो उनकी हम सारी की सारी कॉस्ट फिर रिसर्च के अंदर इंक्लूड कर देंगे। इस प्रोसेस को हम एलोकेशन भी कहते हैं। फिर ऐसा एक्सपेंस जो एक से ज्यादा फंक्शन में कंट्रीब्यूट करता हो, यहां पे बात थी वन फंक्शन की और यहां पर बात है मोर देन वन फंक्शन की। तो जब मोर देन वन फंक्शन की बात हो तो फिर आपको रीजनेबल और कंसिस्टेंट बेसिस पर उसकी एट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी, अप्रोप्रिएशन करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल जो रेंट है
वो आप चार्ज कर सकते हैं डिफरेंट फंक्शंस में, कि एडमिन ऑफिस को उतना रेंट चार्ज कर दें जितनी स्पेस का प्रोपोर्शन वो यूज कर रहे हैं, रिसर्च लैब को आप उतना रेंट चार्ज कर दें जितनी जगह पे रिसर्च लैब बनी हुई है, एंड सो ऑन। इसी तरह एक हेल्थ केयर एनपीओ के अंदर ये पॉसिबल है कि एक डॉक्टर साहब जो है वो एग्जेक्टिव फंक्शंस को भी रन कर रहे हो और एट द सेम टाइम वो जो है क्लिनिकल सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हो पेशेंट्स को। तो हम कहते हैं कि हम ऑपरेशंस के अंदर भी जो कॉस्ट है उनकी कुछ डाल देंगे और कुछ कॉस्ट जो है वो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर भी डाल देंगे, देखते हुए कि वो कितना टाइम मैनेजमेंट फंक्शंस को देते हैं और कितना टाइम जो है वो ऑपरेशंस को देते हैं। तो ये जनरल सी लॉजिक्स हैं, इन रूटीन भी हम इसी किस्म की जो अप्रोचेज हैं वो फॉलो कर रहे होते हैं। तो अब फॉर्मेट्स की तरफ चलते हैं। लेटरल मेथड में हम रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए ये वाली सारी बातें तो पहले एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो इन फैक्ट जो मेन रिक्वायरमेंट है स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर, कि जब आप बना रहे होंगे डेफरल मेथड पर तो आपने दो चीजें लाजमी प्रेजेंट करनी है। एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हर आइटम में जितने भी आप फंड रिपोर्ट कर रहे हैं तो उनका टोटल आपने जरूर शामिल करना है। फिर दूसरी बात है कि जो एक्सेस और डेफिशिएंसी जिसे हम सरप्लस या डेफिसिट कहते हैं वो आपने लाजमी चेंज शो करना है, जो कि बेसिकली नेट होगा रेवेन्यू का और एक्सपेंसेस का। तो इसमें जो बेसिकली ये टोटल वो चेंज होगा जो एनपीओ के अनरिस्ट्रिक्टेड रिसोर्सेज के अंदर ड्यूरिंग द पीरियड आ रहा होगा। तो फॉर्मेट अगर हम बनाएं तो ये सिचुएशन है। एक तो ये देखें कि जब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो हर आइटम आप है उसका एक टोटल शो करें, जैसे फी फॉर सर्विसेज है तो इसका टोटल फिगर यहां पर शो हो रही होगी, और एंड में जो आपने एक्सेस और डेफिशिएंसी निकालनी है जिसे हम सरप्लस भी कह सकते हैं डेफिसिट भी कह सकते हैं और अक्सर एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर या एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम कहा जाता है दिस फिगर। तो ये डेफरल मेथड होगा तो हमारा जो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो बनाने का वे है वो ये होगा अंडर डेफरल मेथड। दूसरा जो मेथड है हमारे पास वो है रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड। रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड में ये रिक्वायरमेंट है कि स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर कुछ जो आइटम प्रेजेंट करे उसमें जनरल फंड को प्रेजेंट करे, रिस्ट्रिक्टेड फंड को प्रेजेंट करे इंडोमेंट के अलावा वालों को, और इंडोमेंट फंड को अलग प्रेजेंट करे, और एंड में एक्सेस और डेफिशिएंसी फॉर ईच ऑफ अबव फंड शो होनी चाहिए। तो यहां पर अगर हम रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड का फॉर्मेट डिस्कस करते हैं तो आप ये देखें कि जो जनरल फंड है वो सेपरेट इंडोमेंट के अलावा वाले रिस्ट्रिक्टेड फंड, उसके बाद इंडोमेंट फंड सेपरेटली, और इन सब का एक्सेस और डेफिशिएंसी यानी सरप्लस या डेफिसिट। तो ये रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो इस फॉर्मेट के अंदर पूरी होनी चाहिए, और इस तरीके से जब रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड होगा तो हम स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इस स्टाइल में बनाएं। नेक्स्ट चलते हैं और अब बात करते हैं कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को ग्रॉस और नेट बेसिस पर कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। तो रिक्वायरमेंट ये है कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को हमें ग्रॉस अमाउंट पर प्रेजेंट करना चाहिए, और जब और नोट्स के अंदर भी अकॉर्डिंगली। तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड प्रेजेंटेड एट दियर ग्रॉस अमाउंट एंड दिस इंफॉर्मेशन मे बी प्रेजेंटेड इन द नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप मेन जो स्टेटमेंट है उसमें भी दे सकते हैं और आप इसको नोट्स में भी दे सकते हैं। अब क्या हमें कोई चीज ग्रॉस बेसिस पर करनी चाहिए या नेट बेसिस पर, यह फैसला करेगा रेलिवेंट फैक्ट्स और सरकमस्टांसेस, और इसमें सिग्निफिकेंट जजमेंट चाहिए होगी यानी ये जजमेंट की बेस पर डिसीजन हम करेंगे। अब नॉर्मली हम ये देखते हैं कि जहां पर एक एनपीओ एज मेन पर्सन काम कर रही होगी तो वहां पर वो चीजों को ग्रॉस बेसिस पर शो करेंगे, और जहां पर हमें नेट प्रोसीड्स किसी चीज की मिलनी होगी और हमारी डायरेक्ट दो चीजों में इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी वहां पर हम नेट बेसिस पर ले सकते हैं। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ के अंदर भी इस चीज को डिफरेंट एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया गया है, वही एग्जाम्पल्स को हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लेकर आते हैं तो हम भी उसी से डिस्कस करते हैं। तो चार डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एक एनपीओ है जिसको फंडिंग मिलती है, एन एनपीओ रिसीव फंडिंग टू अंडरटेक अ स्पेसिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट, एनपीओ कॉन्ट्रैक्ट एट इट्स ओन डिस्क्रिशन।
विद अ साइंटिस्ट टू परफॉर्म द रिसर्च द एनपीयू वुड नॉट हैव अंडरटेकन द रिसर्च प्रोजेक्ट हैड द फंड्स नॉट बीन मेड अवेलेबल। आप कहते हैं कि फंड्स ना मिले होते तो हम रिसर्च ना करते, लेकिन हमारी अपनी डिस्क्रिशन है कि कौन से साइंटिस्ट के साथ रिसर्च करनी है, किस मामले पर एग्जैक्टली रिसर्च करनी है, रिसर्च का जो फोकस होगा वो क्या चीज होगी। रिक्वायरमेंट ये है कि इसमें जो फंड का रेवेन्यू हमें मिला है और जो साइंटिस्ट की सर्विसेज हम हासिल कर रहे हैं उसकी कॉस्ट लग रही है, उसको ग्रॉस बेसिस पर लेकर चलें या नेट बेसिस पर लेकर चलें। सो अगर हम ये देखते हैं, एक एंगल तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जी फंड्स ना होते तो रिसर्च प्रोजेक्ट ना किया जाता। एनपीओ जो है वो साइंटिस्ट के साथ जब डील कर रही है तो ये ऑन डिस्क्रिशन ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि एनपीओ जो है वो एज अ प्रिंसिपल एक्ट कर रही है। इसका मतलब है कि एनपीओ स्पेसिफाई करती है डिटेल्स ऑफ द रिसर्च जो कैरी आउट होगी और डिस्क्रिशन है उसकी साइंटिस्ट को सिलेक्ट करने में और प्राइस टू बी पेड जो साइंटिस्ट को पे होनी है वो निगोशिएट करने में। इसलिए जो एक्सपेंसेस इनकर हो रहे हैं साइंटिस्ट के साथ वो ऑब्लिगेशन ऑफ द एनपीओ बन जाते हैं। इन केस किसी वजह से फंडिंग का फ्लो रुक भी जाता है तो जब साइंटिस्ट के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका होगा उसकी वजह से एनपीओ को साइंटिस्ट को पेमेंट करनी पड़ेगी, वो फंड चाहे आ रहे हों फिर या ना आ रहे हों। ऑल्दो कि आप कहते हैं कि फंड आ रहे थे तो हमने ये काम शुरू किया, लेकिन एक बार आप शुरू कर चुके हैं तो आपकी ऑब्लिगेशन बन जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में ये देखें कि फंडिंग आना रुक भी जाए तो आपको जो उसके एक्सपेंसेस हैं कॉस्ट ऑफ साइंटिस्ट है वो तो पे करनी पड़ेगी, इसलिए इसको ग्रॉस बेसिस पर शो होना चाहिए और नेट बेसिस पर शो करना अप्रोप्रिएट नहीं होगा। कुछ और एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। एग्जांपल टू है कि एन एनपीओ रिसीव फंडिंग रीइंबर्समेंट मिल रही है टू अंडरटेक अ स्पेसिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट फ्रॉम अ टेक्सटाइल कंपनी। NPO allocates an employee to textile company for the conduct of research. NPO would be reimbursed for all the costs related to that employee. तो काम ये हो रहा है कि हमारा एक employee है तो एक textile mill company चाहती है कि भाई हम उनके लिए कुछ research perform करें, तो हम अपने एक employee को allocate कर देते हैं, वो वहाँ पे काम करता है research का, वो हमें data देता है, फिर हम research को finalize करते होंगे। अपने employee को obviously हम salary दे रहे हैं, जो हमारे सारे expenses होते हैं वो हम टेक्सटाइल मिल से टेक्सटाइल कंपनी से रीइंबर्स कर लेते हैं, वो पैसे में वहां से मिल जाते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या रीइंबर्समेंट जो हमें मिल रही है वो रेवेन्यू के तौर पे और जो एम्प्लॉय की कॉस्ट लग रही है हमारी सैलरीज एंड अदर, क्या हम उसे ग्रॉस बेसिस पर शो करें या नेट बेसिस पर शो करें। तो सिचुएशन ये है कि एनपीओ का जो एम्प्लाई है वो तो एनपीओ की डायरेक्शन के अंडर ही आता है और एनपीओ को उसकी कॉस्ट जो है वो रीइंबर्स हो रही है। अब यहाँ पर ये देखें, इन केस के ये रिसर्च प्रोजेक्ट का कोई अरेंजमेंट हमारा टेक्सटाइल कंपनी के साथ ख़त्म भी हो जाता है तो अपने एम्प्लाई को सैलरी तो हमने फिर भी देते रहनी है, वो यानी रीइंबर्समेंट हो रही होगी या नहीं हो रही होगी वो उसको सैलरी पे करना तो हमारी ऑब्लिगेशन रहेगी। यहाँ पर क्योंकि एनपीओ जो है वो एक एम्प्लायर है और वो अपनी एम्प्लायर रिलेटेड कॉस्ट को एक्सपेंस के तौर पे प्रेजेंट करेंगे तो जो रिइंबर्समेंट आ रही है उसे रेवेन्यू के तौर पर शो करना चाहिए और यहाँ पर भी ग्रॉस बेसिस पर होना चाहिए। क्योंकि अगर हमें रिइंबर्समेंट ऑफ कॉस्ट ना भी आ रही हो तो हमें अपनी एम्प्लाई की जो सैलरी है जो उसकी कॉस्ट है वो तो इनकर करनी पड़ रही होंगी। तो ये दोनों चीज़ें बेशक कनेक्टेड हैं लेकिन एक दूसरे पर इतनी इंडिपेंडेंट इंटरडिपेंडेंट नहीं है कि जी आप कहें कि रीइंबर्समेंट नहीं आएगी तो कॉस्ट नहीं लगेगी। कॉस्ट की हमारी ऑब्लिगेशन तो अपनी जगह पर है इसलिए वो एक्सपेंस अलग शो होना है और रेवेन्यू जो आ रहा है वो एक सेपरेट उस पर शो होगा, तो ग्रॉस बेसिस पर शो करना यहाँ पर ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एन एनपीओ इंगेजेस इन नंबर ऑफ फंड रेजिंग एक्टिविटीज इंक्लूडिंग अ फंड रेजिंग टेलीथॉन जिसमें एक टेलीफोन कंपेन है, डायरेक्ट मेल कंपेन है और स्पेशल इवेंट्स हैं और एक लॉटरी है। तो आप फंड्स रेज करने के लिए, लोगों से डोनेशन लेने के लिए ये चार जो है ना एक्टिविटीज कर रहे हैं, टेलीफोन कंपेन, डायरेक्ट मेल कंपेन, स्पेशल इवेंट्स एंड अ लॉटरी। और फंड रेजिंग टेलीथोन मतलब टेलीविजन के थ्रू भी कर रहे हैं। The NPO uses an outside fundraising consultant to conduct the telethon and uses the NPO's own staff and volunteer in the telethon and the other activities. तो आपने consultant hire किया हुआ है, बाकी आपके अपने staff और कुछ जो volunteers हैं वो शामिल हुए हैं fundraising activities में और funds solicited in each of the activities are raised in the name of the NPO.
यानी जो पैसे लिए जा रहे हैं वो बकायदा एनपीओ के नाम पर ही लिए जा रहे हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो फंड रेजिंग की एक्टिविटी हम कर रहे हैं, इसमें फंड रेज करके जो पैसे आएंगे और जो उसको फंड रेज करने पर हमारी कॉस्ट लग रही है, जैसे हम कंसल्टेंट को पैसे दे रहे होंगे, जो हम वॉलंटियर के लिए उन्हें पैसे नहीं दे रहे होंगे लेकिन उनका कुछ खाने पीने का ख्याल रख रहे होंगे, अपने स्टाफ के लिए भी सारी बात है, जहां पर है वो थोड़ा सा कुछ खर्चा तो उस सारे प्रोसेस में हो रहा होगा, तो उस सबको ग्रॉस बेसिस पर शो करें या उसको नेट बेसिस पर शो करें। तो यहां पर अगर हम देखें तो एनपीओ बेशक फंड रेजिंग कंसल्टेंट आउटसाइड यूज कर रही है, एनपीओ ही मेन बॉडी है जिसके नाम पर फंड रेज हो रहे हैं, तो जो लोग डोनेशन दे रहे हैं उनके साथ एनपीओ का यहां पे डायरेक्ट कनेक्शन है, एनपीओ की डिस्क्रिप्शन है कि वो आउटसाइड फंड रेजर जो कंसल्टेंट वगैरह है वो किसको हायर करें, उसको फीस कैसे दें, उसकी स्पेसिफिकेशन कैसे डिसाइड करें, तो एनपीओ की डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे। एनपीओ का इसी तरह क्रेडिट रिस्क भी है, यानी अगर ये भी प्रॉब्लम है कि जी लोग वादा कर लेते हैं डोनेशन देने का और बाद में वो पेमेंट नहीं देते, तो जो लैक ऑफ रेवेन्यू आएगा वो भी एनपीओ का आएगा, उसमें जो उनकी कॉस्ट होगी कंसल्टेंट को पे करने की वो तो ऑलरेडी लग चुकी होगी। तो यहां पर भी चीजें कनेक्टेड हैं लेकिन मुकम्मल तौर पर एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए एनपीओ के लिए ज्यादा बेहतर ये होगा कि वो ग्रॉस अमाउंट्स को रिफ्लेक्ट करें, जो फंड रेज होता है उसको वो रेवेन्यू रिकॉर्ड करें, और जो कंसल्टेंट फी और दूसरे खर्चे हो रहे हैं इस फंड रेजिंग के दौरान उनको सेपरेट एक्सपेंस के तौर पर प्रेजेंट करें। एग्जाम्पल फोर, लास्ट एग्जाम्पल है, एन एनपीओ इज एक्टिवली इंगेज इन हेल्पिंग कम्युनिटीज इन फ्लड अफेक्टेड एरिया। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ऑर्गेनाइज्ड अ म्यूजिक कंसर्ट अनाउंसिंग दैट द नेट प्रोसीड ऑफ इवेंट शैल बी गिवन टू द एनपीओ। तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट म्यूजिक कंसर्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एनपीओ ऑर्गेनाइज नहीं कर रही, और वो लोग जो भी काम करेंगे उस कंसर्ट से जो नेट बचत होगी वो एनपीओ को दे देंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि रेवेन्यू और कॉस्ट ग्रॉस बेसिस पर लें या नेट बेसिस पर लें। तो यहां पर अगर आप देखें तो एनपीओ प्रिंसिपल नहीं है, वो मेन काम नहीं कर रहे, जो भी रिस्क है एक इवेंट को कंडक्ट करने का वो स्टूडेंट्स का ग्रुप कर रहा है, एनपीओ डायरेक्टली उसमें इंगेज नहीं है। एनपीओ को तो बेसिकली जो भी नेट मिलेगा वो एक किस्म का समझ लें कि जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है उनकी तरफ से उन्हें डोनेशन मिल जाएगी, तो ना ही आपको ग्रॉस रेवेन्यू ना ही ग्रॉस एक्सपेंसेस जो हैं वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करने की जरूरत है, आपको नेट बेसिस पर फिगर्स को शो करना चाहिए, और इवन नोट्स के अंदर जाकर ग्रॉस रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। तो जहां पर हम बात कर रहे हैं कि ग्रॉस बेसिस पर शो होना चाहिए, वहां पर आप ये करेंगे कि आप ये कर सकते हैं कि मेन स्टेटमेंट में नेट शो कर दें और फिर आगे नोट्स में जाकर ग्रॉस फिगर्स दे दें, और जहां पर हम बात कर रहे हैं कि नेट होगा तो वहां पर नोट्स में जाकर भी आपको ग्रॉस फिगर्स देने की जरूरत नहीं है। तो ये स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हमारे पॉइंट्स थे। वेलकम टू एबीसी कैंपस, आज हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओज में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स के ऊपर बात करेंगे, और इसकी रिक्वायरमेंट्स, इसका फॉर्मेट डेफरल मेथड में कैसा बनेगा और रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड में कैसा बनेगा, क्योंकि कंसिडरेबल डिफरेंस होता है इन दोनों मेथड ऑफ अकाउंटिंग में, दोनों फंड अकाउंटिंग मेथड्स हैं लेकिन दोनों के अंदर अकाउंटिंग डिफरेंट वे में हो रही होती है। तो बेसिकली ये ध्यान में रखना है कि ये जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स है ये एनपीओ में एक ऐसी स्टेटमेंट है जो बाकी कंपनीज में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी होती है, तो उस पॉइंट से हम जो है स्टेप वाइज इन तीनों पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। तो पहली बात तो ये कि ये जो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन नेट एसेट बनेगी इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं कि इसमें कम से कम आपने क्या चीजें शो करनी है, तो आपने शो करने हैं रिस्ट्रिक्टेड नेट एसेट्स जिनको आपने परमानेंटली मेंटेन करना होता है एज इंडोमेंट, फिर इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड नेट एसेट्स, एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड नेट एसेट्स अदर देन इंडोमेंट, अनरिस्ट्रिक्टेड नेट एसेट जिन्हें जनरल फंड भी कहा जाता है, और फिर जाहिर बात है इन सबका टोटल। तो ये हम चीजें रिफ्लेक्ट करते हैं। इंटर फंड ट्रांसफर्स भी इसी स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड होते हैं जब हम कुछ अनरिस्ट्रिक्टेड फंड्स को रिस्ट्रिक्टेड फंड्स की तरफ ट्रांसफर करेंगे, और इस स्टेटमेंट का एक अल्टरनेटिव नाम भी है कुछ जगह पर, इसको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फंड बैलेंसेस भी कहा जाता है,
और नॉर्मल कंपनीज में जो इससे सिमिलर स्टेटमेंट होती है वो होती है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो अब इसके फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। डेफरल मेथड में जो हमारा फॉर्मेट है वो बेसिकली आप नोटिस करेंगे कि हमने वही टाइटल तो सारे फंड्स का यहाँ पर है कि अनरिस्ट्रिक्टेड, इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड, एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड और इंडोमेंट वाला अलग, और फिर एक टोटल कॉलम है। तो जब हम बात कर रहे हैं डेफरल मेथड की, तो उसमें आप नोटिस करें कि जो सरप्लस आता है हमारा स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर से, वो सिर्फ अनरिस्ट्रिक्टेड जनरल फंड का आता है, क्योंकि डेफरल मेथड में जो स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनती है उसमें सिर्फ एक कॉलम को हम लेकर चल रहे होते हैं, और बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो हमें एंडोमेंट फंड से रिलेटेड भी और दूसरे रिस्ट्रिक्टेड से रिलेटेड भी, वो सब हमें स्टेटमेंट के अंदर नजर आ रही हैं। इसके मुकाबले में दूसरे फॉर्मेट की तरफ चलते हैं तो कॉलम सेम होंगे लेकिन आप देखेंगे कि सरप्लस वाली लाइन में डिफरेंट सिनेरियो होगा। तो रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड के अंदर जब हम चलते हैं तो इसके अंदर क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर कॉलमनर बनती है, जिसके अंदर डिफरेंट जो रिस्ट्रिक्टेड फंड्स होते हैं उनको भी इनकॉर्पोरेट किया गया होता है, तो इसमें आप सरप्लस देख रहे हैं कि इसमें हर जो कॉलम है रेलिवेंट अदर देन इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड, क्योंकि उसको तो कंसीडर नहीं किया जाता सेपरेट प्रेजेंटेशन के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, बाकी सब में हमें सरप्लस नजर आ रहा है। और बाकी ट्रांजेक्शन इसी वजह से, क्योंकि वहां ऑलरेडी इसमें ज्यादातर ट्रांजेक्शन जो है वो कॉलमनर फॉर्मेट के अंदर स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डील हो चुकी होती हैं, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स बनती है वो फिर निस्बतन हमारी स्ट्रेट फॉरवर्ड बनती है। तो ये एक सिंपल सी स्टेटमेंट है, ये फॉर्मेट ध्यान में रखेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चंस भी आगे हम उसके ऊपर वीडियोस बनाने वाले हैं, तो उसमें फिर ये होगा कि आप इन फॉर्मेट की जो एप्लीकेशन है वो भी देखेंगे। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओज में स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज को डिस्कस कर रहे हैं, तो सिंपली हम रिक्वायरमेंट्स और फॉर्मेट के ऊपर बात करेंगे, तो वन बाय वन इन दोनों पॉइंट्स पर बात करते हैं। तो रिक्वायरमेंट्स में जो है जिस तरीके से IS-7 के अंदर रिक्वायरमेंट है, इसके अंदर भी वैसे ही रिक्वायरमेंट है कि आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को सेपरेटली प्रेजेंट करना है। ऑब्वियसली टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है और उस एंगल से कुछ जो हमारी बातचीत होगी यहाँ पे वो डिफरेंट होगी, वरना ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है उसमें कोई खास फर्क नहीं है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन की जब हम बात करेंगे तो उसमें तमाम कैश रिसीट्स और डिसबर्समेंट, डिसबर्समेंट का यहाँ पे मतलब है पेमेंट, रिजल्टिंग फ्रॉम द मेन ऑन गोइंग सर्विस डिलीवरी एक्टिविटीज ऑफ एनपीओ शामिल होंगी, और उसमें फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग के कैश फ्लो एक्सक्लूड होंगे। अब जब हम IS-7 पढ़ते हैं तो वहां पे टर्म होती है प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, यानी वहां पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डिफाइन की जाती हैं कि कैश रिसीट्स एंड पेमेंट फ्रॉम प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी ऑफ एन एंटिटी अदर देन दोज दैट आर फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वो भी उसमें शामिल होती हैं। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पर है, यहां पर उन्होंने प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग की जगह टर्म क्या यूज कर दी, मेन ऑनगोइंग सर्विस डिलीवरी एक्टिविटीज ऑफ एन एनपीओ, जो कि सेम ही बात है। अब जो कैश रिसीट फ्रॉम ऑपरेशंस हैं उसमें यहां पर हमारी अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशंस भी शामिल होंगी, रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशंस भी शामिल होंगी जो ऑपरेशंस के लिए यूज होनी है और ऑर्डनरी एक्टिविटीज में अराइज हो रही हैं, जैसे फी फॉर सर्विसेज होती हैं, या अगर एक एनजीओ जो है वो लोगों को सस्ती चीजें प्रोवाइड करती है तो उस सेल ऑफ गुड्स से जो पैसे आते हैं, और अनरिस्ट्रिक्टेड इन्वेस्टमेंट इनकम जो होती है वो भी इसमें आएगी। इसी तरीके से ऑपरेशन के अंदर जितने भी आपके सर्विस डिलीवरी एक्टिविटीज के अंदर, यानी जो एनजीओ का या एनपीओ का जो रूटीन काम है वो करने के अंदर जो भी आपके एक्सपेंसेस की पेमेंट हो रही है वो भी इसमें शामिल होगी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का कॉन्सेप्ट भी सिमिलर है कि एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। तो हम जब IS-7 पढ़ते हैं तो वहां पर ये होता है कि जी हम पढ़ते हैं कि एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट से जो अराइज होता है, तो यहां पे भी टर्म जस्ट कैपिटल एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स की यूज हुई है, तो सिमिलर अप्रोच ही फॉलो होगी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जब हम पढ़ते हैं IS-7 में, तो वहां पे कॉन्सेप्ट है कि जब आपके चेंजेस आते हैं कंट्रीब्यूटेड इक्विटी और बोरिंग्स ऑफ एन एंटिटी में, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के तौर पर आप शो करते हैं। तो यहां पर जो ऑब्वियसली इक्विटी का कॉन्सेप्ट तो नहीं होता क्योंकि एनपीओज हैं, तो यहां पर तो कॉन्सेप्ट होता है फंड्स का, और रिस्ट्रिक्टेड फंड्स होते हैं और कुछ जो आपके हैं वो फंड्स होते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड फंड्स होते हैं। अनरिस्ट्रिक्टेड का रेवेन्यू वगैरह तो वो ऑपरेटिंग के अंदर कवर हो गया,
तो आपके जो ऐसे फंड्स जो रिस्ट्रिक्टेड हों फॉर कैपिटल एसेट्स, या वो कैश जो आपको कंट्रीब्यूट हो फॉर इंडोमेंट, वो फाइनेंसिंग में आएगा। इसके अलावा रीपेमेंट ऑफ डेट से रिलेटेड, जैसे आपने कोई एनपीओ ने कोई लोन लिया और उस लोन की जो है ना रीपेमेंट की, तो वो तो बोरिंग से रिलेटेड ही है, तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, जैसे हम IS-7 में पढ़ते हैं। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट हैं। अब जाहिर बात है एनपीओ का जो ऑपरेशंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, टर्मिनोलॉजी की वजह से डिफरेंट है, और वही वजह है कि हमारी थोड़ा सा स्टाइल और वर्डिंग का फर्क होगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं, उस कॉन्सेप्ट के अंदर डिफरेंस नहीं है। तो अब फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। तो जिस तरीके से हम इनडायरेक्ट मेथड में ये फॉर्मेट हमारे पास बना हुआ है, क्योंकि ज्यादातर इनडायरेक्ट मेथड फॉलो होता है, तो यू कैन सी कि हम जिस तरह IS-7 में शुरू करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, यहां पर हमने शुरू किया सरप्लस और डेफिसिट से। फिर इसमें हमने नॉन कैश जो आइटम्स थे उनको एडजस्ट कर दिया, फाइनेंस कॉस्ट को क्योंकि सेपरेटली प्रेजेंट करना होता है इंटरेस्ट पेड के तौर पे, तो वो भी एडजस्ट कर दिया। फिर वहां पर हम चेंजेस लेते हैं इन्वेंट्रीज, रिसीवेबल, पेबल का। एनपीओज में नॉर्मली जो आइटम होते हैं वो होते हैं ऑफिस सप्लाईज, प्री पेमेंट्स एंड अक्रूवल्स वगैरह। उसके बाद कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में से आप इंटरेस्ट पेड जो है वो लेस कर देते हैं, और जो ग्रांट और कंट्रीब्यूशन रिसीव हुई होती हैं उनको ऐड कर देते हैं। तो आपके पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो कैश होता है वो आ जाता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की तरफ चलते हैं, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका फोकस जो होगा वो आपके लॉन्ग टर्म एसेट, जिन्हें यहां पर हम कैपिटल एसेट्स भी कहते हैं, इसमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट भी हो सकते हैं, और फिर आपके इंटेंजिबल एसेट्स भी हो सकते हैं, और समटाइम्स जो कलेक्शंस हैं वो भी हो सकती हैं, तो और इन्वेस्टमेंट्स। तो चार चीजें हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, कलेक्शंस और इन्वेस्टमेंट्स। तो उनके में जो कैश आउटफ्लो और इनफ्लो है उन सबको आप लिखेंगे, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएंगे, तो नेट इसका आ जाएगा। उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देखें फोकस क्या होगा, कि आपने एक तो लोन तो बोरिंग के अंदर कवर हो जाता है, दूसरे नंबर पे इंडोमेंट कंट्रीब्यूशन क्योंकि वो भी रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, और ऐसी रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन जो कैपिटल एसेट्स के लिए हो वो भी यहां पर आएंगी, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ जाएगी। और बाद में जो कैश इक्विवेलेंट वाला पोर्शन है वो बिल्कुल जैसे हम IS-7 में बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही बनेगा। तो ये सिंपल सा फॉर्मेट है, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।